दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। एक जंगल में एक श्रमिक एक जंगल से गुजर रहा था। वह श्रमिक बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी वह निर्धन का निर्धन था। वह भी अपनी गरीबी से बहुत त्रस्त था और उसे उम्मीद रहती थी कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए, किसी तरह ऐसा हो जाए कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊँ। एक दिन वह अपने काम वाम को निपटा कर जंगल से गुजर ही रहा था कि उसने देखा एक लोमड़ी लंगड़ती हुई, उसके पैर में कुछ चोट था, वो वहाँ से आ रही थी। उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर विश्राम भी कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे साथ अपने कुछ उसने फुलाए हुए चने वगैरह रखे थे, इसको खा लेता हूँ, फिर आगे का सफ़र तय करूँगा। और वह बैठ कर वहाँ चने खाने लगा। कुछ देर बाद वह देखता है कि जहाँ पर लोमड़ी थी वहीं कुछ दूरी पर एक शेर अपने मुख पर हिरण को पकड़ा हुआ आता है। अब यह डर जाता है कि अब यह शेर इस लोमड़ी को भी मार डालेगा। फिर जब शेर वहां पर पहुंचता है, लोमड़ी के पास पहुंचता है, तो वह अपने हिरण के मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी के पास छोड़ देता है और हिरण के मांस को लेकर वह शेर वहां से चला जाता है और लोमड़ी उस छोड़े हुए मांस को खाने लगती है। यह देख यह श्रमिक जो है यह बोलता है कि अरे वाह, भगवान भी कोई चीज होती है। मैंने तो सोचा था कि इस लोमड़ी को अब यह शेर खा जाएगा, लेकिन उसने इस पर कितनी दया की। और इस लोमड़ी की किस्मत तो देखो, लंगड़ी लोमड़ी जो मेहनत नहीं कर सकती, अब शायद इसे भगवान रूपी शेर ने आकर अपना एक आशीर्वाद दिया और एक मांस का टुकड़ा छोड़कर चला गया। इस लोमड़ी की किस्मत कितनी तेज है, काश मेरी भी किस्मत ऐसी होती। मैं भी देखता हूँ, मुझे भी भगवान पर विश्वास है कि भगवान ऐसा मेरे साथ भी कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अचानक उसकी विचारधारा ही बदल जाती है और वह उस पेड़ के नीचे बैठता है कि अब भगवान भी मेरी मदद करेगा। अब जब भगवान मेरी मदद करेगा तभी मैं यहाँ से उठूँगा। और कुछ घंटे बीतते हैं, एक दिन बीतता है, दो दिन बीतता है, लोग वहाँ से आते हैं जाते हैं, लेकिन यह श्रमिक वहाँ बैठा का बैठा रहता है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आसपास पानी उस पी लेता है, भूख लगती है कुछ खा लेता है, लेकिन भगवान ऐसी कोई मदद नहीं कर रहा था। ऐसे ही 4-5 दिन हो जाते हैं और इसने तो जिद ठान ली थी कि भगवान ही मेरी मदद करेंगे। तभी उस जंगल से एक महात्मा गुजरते हैं और वह देखते हैं कि यहाँ पे एक श्रमिक बहुत जर्जर अवस्था में है, बहुत उसकी लग रही कि तबीयत बहुत ख़राब है। और यह महात्मा जी उस श्रमिक से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ यह क्यों तुम यहाँ पर ऐसे हो। तब वह श्रमिक पूरी दास्तान सुनाता है कि ऐसा ऐसा हुआ और लोमड़ी के साथ इतना बड़ा भगवान ने न्याय किया और भगवान रूपी शेर ने आकर उसे मांस का टुकड़ा दिया, तो वह मेरे साथ भी मेरा भगवान कर सकता है। मैं अपने भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, वह भगवान भी मेरे लिए इस तरह का आशीर्वाद देगा। वह महात्मा जी उसे बहुत डांट लगाते हैं कि मूर्ख, तू यह किस तरह की गतिविधि कर रहा है, यह किस तरह की सोच रखे हुआ है। तूने जब यह घटना देखी तब तूने लोमड़ी बनने का ही सोचा, तेरे दिमाग में यह नहीं आया कि मैं शेर भी बनूं। दोस्तों छोटी सी कहानी, लेकिन यह हमें यह चीज सिखाती है कि जब भी हमें कुछ सोचना है हमें छोटा कभी भी नहीं सोचना है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि छोटी सोच हमारे देश का सबसे बड़ा क्राइम है। बड़ी सोच रखिए, आप हर चीज में बड़ा सोचिए, लोमड़ी के बारे में ही क्यों सोचना, क्यों रत्न यंत्र इस तरह के उपाय ताबीज इन सब के पीछे पड़कर सफलता पाना। क्या सफलता इन सब चीजों से मिलेगी? क्या लोमड़ी की तरह किस्मत पाना चाहते हैं कि मिला तो मिला वरना वहीं भूखे मर गए? क्यों नहीं आप शेर की तरह बनना चाहते हैं? और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें लोमड़ी नहीं शेर की दृष्टिकोण से जीना है। हमें ऐसी दृष्टिकोण रखनी है जिससे हम शेर के दिमाग को पा सकें। शेर जब भूख लगती है तब अपनी मान से निकलता है, अपनी गुफा से निकलता है और वो भोजन की तलाश करता है। वह शेर है, वह राजा है और वह पा भी लेता है। हिरण जब वह हिरण का शिकार करता है, हिरण उससे कई गुना एक स्पीड जो मापी गई है, शेर 58 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहीं हिरण 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि हिरण आसानी से शेर का शिकार बन जाती है? वह है उस शेर का दृष्टिकोण, उसकी राजा जैसी सोच कि मैं यह
कर गुजरूंगा। अगर आप लोमड़ी की तरह बनना चाहते हैं तो फिर बैठे रहिए, लंगड़ाते रहिए। लंगड़ी लोमड़ी यानी जब आप किस्मत, भाग्य, किसी कोई आशीर्वाद दे देगा तो कुछ होगा, या भगवान आएंगे आपकी मदद करेंगे, जब आप इस तरह की लोमड़ी बनेंगे, लंगड़ी लोमड़ी बनेंगे, तब कोई भगवान नहीं आने वाला। हाँ, कुछ महात्मा जो जंगल में महात्मा मिले, उस तरह के कुछ महात्मा मिल सकते हैं जो आपको बताते हैं, राह दिखाते हैं कि तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह करना है। लेकिन आपका अपना एक कंफर्ट जोन है, आप उस जोन में ही रहना चाहते हैं। आपको मेहनत करने से बहुत गुरेज है, आप मेहनत करने से बहुत बचते हैं, क्योंकि आपने कई ऐसी आदतें लगा ली हैं जो लगनी नहीं चाहिए एक मानव को। एक मानव जन्म लेकर भी आपने कुछ ऐसी आदतें पाल ली हैं कि आप अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। तो लोमड़ी की तरह नहीं, शेर की तरह बनने को सोचिए, शेर की दृष्टिकोण से रहिए। जब आप किसी और का भी कुछ देखते हैं, आपके दिमाग में यही आते रहे उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। जो व्यक्ति सफल होता है उसके निकट जाइए, निकट जाइए और निकट जाइए। वह उसके लिए उसने क्या मेहनत की है, उसके लिए उसने क्या अपना समर्पण दिया है, वह किस दृढ़ संकल्प के साथ उस काम को उसने किया है। वह कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने आसपास पड़ोस का कोई व्यक्ति हो, वह देश के सर्वोच्च व्यक्ति हो, वो विश्व के सफल लोग हों, वे कंसिस्टेंट होते हैं, वे रेगुलर होते हैं उस चीज पर। वे लोमड़ी की तरह लंगड़े होकर नहीं बैठते, या वे इस विश्वास में नहीं रहते भगवान आएंगे और कुछ देंगे। कोई भगवान नहीं आने वाला है। हाँ, कुछ सद्गुरु रूपी महात्मा आएंगे, वह आपके आसपास भी हो सकते हैं, वह आपको संकेत देंगे, इशारा देंगे। लेकिन अगर आप तैयार हैं, आप तत्पर हैं उन इशारों को समझने के लिए और मेहनत करने के लिए, तब आप शेर की तरह जीवन जिएंगे, तब आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। एक देश अमीरों से चलता है, एक अमीर देश को चलाता है, एक अमीर ही देश के लिए कुछ कर पाएगा। और यहाँ वह अमीरी केवल आर्थिक रूप से नहीं है, वह अमीरी मानसिक भी हो सकती है। आप किसी को मानसिक संबल देने का काम भी कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी फर्म के थ्रू लोगों को रोजगार देने का काम भी कर सकते हैं। आपको नौकरी की बड़ी पड़ी रहती है, एक सरकारी नौकरी सब जीवन सेट। सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनके भी जीवन को जाकर देख लीजिए, वे भी दुखी बैठे पड़े हैं, वे भी निराश हैं, वे भी हताश हैं, उनके अपनी समस्याएं हैं। तो एक राजा की तरह सोच रखिए, एक शेर की तरह सोच रखिए कि मैं लोगों को रोजगार दे सकूं, मेरे माध्यम से लोगों को चीजें मिल सकें, ये सोच रखिए। ये नहीं कि मैं बैठूं, मुझे कोई आकर मांस का टुकड़ा दे दे और मेरी भूख मिट जाए। एक लोमड़ी नहीं, एक शेर बनिए। आप जीवन में क्या चाहते हैं उसके प्रति सचेत रहिए, पूर्ण रूप से सचेत रहिए। और जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो लोग आपके जीवन में नहीं चाहिए, उनके बारे में सोचना तक छोड़ दीजिए। वह तारीफ हो, वह चाहे बुराई हो, जिन भी लोगों को, जिन घटनाओं को, जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी थिंकिंग से भी निकाल दीजिए, कि वे सोते समय भी आपके चेतन में मन ना आए। जब आप इस तरह से रहेंगे और आपका ध्येय जो बस पाना है उसके प्रति रहेगा, तो जीवन में आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा।